पैदा किया है, नौ महीने पेट में रखा है, एक माँ का दर्द समझो, एक माँ के लिए आप यहाँ लगातार 7.5 साल से नाचते घूम रहे हो, दौड़ते घूम रहे हो, रात दिन लगाते घूम रहे हो, चौखड़ी बनाए घूम रहे हो एक माँ के लिए, और ये माँ नहीं है क्या? इस माँ ये मजलूम नहीं है, ये बच्चा मजलूम नहीं? क्या 8 साल से कम उम्र का कोई इस केस में विक्टिम है? 8 साल से कम उम्र का कोई विक्टिम है नहीं? चोर की माँ को पकड़ो। हाँ, चोर की माँ को पकड़ो तो फिर तो क्यों पर हमला होना फिर चाहिए? तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है, फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी? ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। आप इतनी बातें करिए, करेक्टर डिसाइड नहीं होता कि 12:30 बजे लेडी वो है तो करेक्टर डिसाइड होता है, करेक्टर डिसाइड होता है 12:30 बजे, करेक्टर डिसाइड नहीं होता किसी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटीशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटीशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटीशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुडिशरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी।